अपराधों की जहाँ तक बात है तो ठीक है, वो बंदा ओडीआई नंबर वन रैंकिंग पे था, उसका रिकॉर्ड सुमन गिल ने तोड़ा, वो इसलिए तोड़ा कि वो बंदा डिजर्व करता था, उसने अच्छी जो है अपनी बैटिंग जो है मनवाई है। सुमन गिल कल का बच्चा है, बाबर आजम को जितने दिन एज अ नंबर वन प्लेयर बने सुमन गिल को उतने दिन क्रिकेट में भी आयु नहीं हुए, जितने दिन बाबर आजम ने एज अ नंबर वन प्लेयर गुजारे हैं सुमन गिल को अभी क्रिकेट में भी आयु उतने दिन नहीं हुए। सुमन गिल आ रहा है, सुमन गिल के बाद देखो रोहित शर्मा, ये रिकॉर्ड आगे, ये आगे खेलेगा अभी जो इसके बोर्ड मैच बोर्ड टाइम पर है सुमन गिल का, आगे देखो आगे जाके काम कर जाए और कार्ड तोड़ेगा सुमन गिल जी। हमने कभी भी नहीं कहा जो इंडिया नंबर वन पोजीशन पे गलत तरीके से ही है, हम ये नहीं कह रहे सुमन गिल का जो मामला, लेकिन जो सुमन गिल का मामला है वो गलत तरीके से उन्हें लाया गया उन्हें, क्योंकि उसकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है वर्ल्ड कप में। अगर एशिया कप में उसने अच्छा किया उसे प्लस पे दिया, अगर वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर रहा तो माइनस दो ना भाई। सिराज वो बॉलर है जिसका वालिद है, उसकी एक टांग कटी हुई है, वो रिक्शा चलाता है, वो एक गरीब घर से आया, वो आईपीएल से आके वो नंबर वन पे आ गया, क्या बीबीसी ने सिराज को भी ऊपर लाने के लिए एक प्रोटोगंडा किया? ऐसा नहीं है। सुमन गिल ने वहीं पर वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ 92 स्कोर किया एक में, तो 92 जब वो कर रहा है उसने स्कोर किया है उसको प्लस में दिया है, लेकिन वहीं पर उसने 26 स्कोर किया उसकी माइनस में जाती थी रेटिंग, उसको प्लस पॉइंट दे के हमसे 6 पॉइंट आगे हैं। तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो 3000 रन हैं वो भी सुमन गिल बाबर आजम से जल्दी जो है वो बीट कर ले इसको। बीसीसीआई ने आईसीसी को खरीदा हुआ है, मैं ये कहूँगा ये हकीकत है और ये इस हकीकत को पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। पहले कहा जाता था ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत मजबूत है, बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है, इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग उससे ज्यादा मजबूत है। शुभमन गिल की क्या परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में? सर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्मेंस है? 2 50s है, बाबर आजम कितनी 50s है? 4 50s है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शुभमन गिल जिन्होंने बाबर आजम को रिप्लेस कर दिया ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन पे आ गए, शुभमन गिल जो कि अभी अभी उन्होंने अपना स्टार्ट लिया था, डेब्यू किया इसी साल किया, कम मैचेस खेल के वो बाबर आजम को रिप्लेस कर चुके हुए हैं। बाबर आजम जो कि तकरीबन 3 साल से के टेन्योर में यानी कि उन्होंने ये रैंकिंग संभाली हुई थी, जिनको शुभमन गिल ने रिप्लेस कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के बारे में और बाबर आजम के बारे में जो ये यानी कि शुभमन गिल ने रिप्लेस किया बाबर आजम को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि सुमन गिल ने जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है और वो बंदा डिजर्व करता था, और सबसे ज़्यादा खुशी हमें भी है, हमारे साथ सुमन गिल को भी होगी जिस बंदे ने इस रिकॉर्ड को अचीव किया। और दूसरी बात यह है कि हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि इस बंदे का रिकॉर्ड टूट गया। देखिए सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि यानी कि बीसीसीआई ये काम कर रही है, सारे मामलों को डील कर रही है, आईसीसी जो ऊपर बैठा हुआ है जो सारे यानी कि वर्ल्ड वाइड देख रहा है, पूरी वर्ल्ड की टीमें इसको यानी कि देख रही हैं, लोग देख रहे हैं कि यार ये रैंकिंग जो है ये फेक तो नहीं ना हो सकती, जैसे आपने बात की कि शुभमन गिल बाबर आजम को रिप्लेस करके कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि जिस वजह से बकाया जो इंटरनेशनल काउंसिल में बैठे हुए हैं लोग बैठे हुए हैं वो तो इस चीज़ को देख के ही फैसले कर रहे हैं ना। यार अब आपको इधर से नजर नहीं आता जब क्वेंटिन डिकॉक ने 4 सेंचुरीज मारी है, हाईएस्ट रन स्कोरर है वर्ल्ड कप का, उसकी रेटिंग क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों नहीं बढ़ रही? कोई कुछ तो वजह है ना यार जो उसकी रेटिंग नहीं बढ़ी, वो कितना बड़ा प्लेयर है, वो कितनी परफॉर्मेंस उसने दी है, अब उसकी भी तो प्लस में जाए ना यार, सेंचुरीज करते हैं उसकी प्लस में जा ही नहीं रही, सिर्फ इंडियन क्रिकेट कर विराट कोहली ने 3 सेंचुरीज मारी उसकी प्लस में हो रही है, तो अगर आप ये देखें ना विराट कोहली स्कोर कर रहा है उसकी रेटिंग प्लस में जा रही है, लेकिन वहीं पर क्वेंटिन डिकॉक स्कोर कर रहा है, क्वेंटिन डिकॉक की रेटिंग ऊपर ही जा रही है, वही 750 पे 750, यार जो अच्छा खेल रहे हैं उसको तो वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता साउथ अफ्रीका, एज हम क्रिकेट फैन चाहते हैं जो यार क्वेंटिन डिकॉक की जिस तरह परफॉर्मेंस है वो ऊपर आए, बाबर से ऊपर आए। कितने इंडियन टीम के बारे में जैसे इंडियन टीम वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म कर रही है, इनके सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली शुभमन गिल और सिराज ने अपना यानी ओडीआई में नंबर वन बॉलर का सिराज ने रैंक बनाया और शुभमन गिल ने नंबर वन का बनाया, क्या कहेंगे सिराज के बारे में इंडियन बॉलिंग के बारे में? ये तो कह सकते हैं इंडिया इस वक्त बेस्ट टीम है पूरी दुनिया की, इंडिया इस पर फील्ड कर रहे, देखिए अभी 8 मैचों में कोई मैच नहीं हो, वन साइड मैच जीता, कोई ऐसा मैच पता नहीं है। हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका पहला मैच फंसा था, वो भी वो विराट कोहली विकेट पे खड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया विराट कोहली ब्रांड है, विराट कोहली ने ऐसे मैच वो एक अपसेट कर दिया क्या, और लास्ट टाइम देखे उसको बुखार हो गया था तो हमारे यहाँ बातें होना शुरू हो गई थी जी ये बीट नहीं कर सकता, बहुत पीछे रह गया, तो मेरा ख्याल है सुमन गिल ने वापस आके कमबैक किया और बाबर आजम को बीट किया। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझे खुशी इसलिए हुई कि बाबर आजम बहुत दिनों से सेल्फिश बैटिंग करने लग गया था कि मेरी जगह पर क्यों मुझ पर सवालिया निशान आए, तो भाई ऐसी बैटिंग हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान वालों को, जो आपकी सेल्फिश बैटिंग हो सिर्फ आपके लिए हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की वर्दी के लिए और पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के लिए जो ना हो, तो इस वजह से मेरे भाई मुझे तो बहुत खुशी होगी और मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो 3000 रन हैं वो भी सुमन गिल बाबर आजम से जल्दी जो है वो बीट कर ले इसको। बाबर आजम जब 50 से 40-45 स्कोर करते तो उसकी रैंकिंग माइनस होती है रेटिंग, जब सुमन गिल 20-25 स्कोर करते उसको प्लस पॉइंट दिया जाता है, तो ये आप सबको नज़र आ रहा है जो यार हमारी रैंकिंग खरीद रहे हैं। हाँ जहाँ तक शाहीन की बात है चलो शाहीन से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन सिराज भी वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से और बॉलर
बॉलर जेनसन कवर कर रहे हैं या उनका बोल्ट और स्टॉक कम बॉलर है, आठवें नौवें नंबर पर पड़े हैं सिराज, कल का बच्चा है सिराज, उसे क्या बॉलेंगे सिराज? मैं कहता हूँ सिराज बुमराह उससे लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे। और अभी तो नसीम शाह ने, नसीम शाह को हमारे इन्होंने किधर फेंका हुआ 40 रेटिंग पे। सर दरअसल यही है कि रिकॉर्ड तो होते हैं टूटने के लिए। ये देखे पहले विराट कोहली था, विराट कोहली का बाबर आजम आया, अब इंडिया की प्लेयर है शमन गिल जो इस बार पहले नंबर पे आ रहा है, इसलिए माशाल्लाह उनकी ना वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो बहुत अपने ना बैटिंग पे तवज्जो देते हैं, बहुत वो करते हैं इस तरह, इसलिए ना वो ज़्यादा थोड़े मैच खेल के इसने ज़्यादा स्कोर किए, तो इसलिए वो ने इस बार नंबर वन पे बेस्ट मैन बन गया। बाबर आजम की बात की जाए, बाबर आजम ने भी बहुत कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, पर ये होते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। पहले विराट कोहली से कोई और था, उससे पहले कोई और था, अब ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। देखे ना शायद अफरीदी का 36 बॉल पर किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा, वो है वो भी उसने एवी डिलीवरी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड होते हैं, बनते हैं, टूटते रहते हैं। बीसीसीआई के खिलाफ बातें हो रही हैं कि बीसीसीआई ने ये रैंकिंग जल्दी करवा के यानी कि बढ़ा लिया, यानी कि इसके ऊपर यानी कि इंडिया की थोड़ी सी पॉलिसी थी कि जिस वजह से यानी कि शुभमन गिल की रैंकिंग जल्दी अपडेट कर देगी, इस बारे में क्या आप कहेंगे? बाकी ये बात सच थी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए हमारे ना, हाँ एक बहुत बड़ा प्रोटोगंडा है, अगर पाकिस्तान हार जाए ना तो कहते हैं जी जादू करवाया गया, पाकिस्तान जीत जाए तो कहते हैं जी जादू नहीं था। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते बंदे को ये भी कंफर्म करना चाहिए, हम बेशक पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन अगर इंडिया की क्रिकेट अच्छी है उसे माने, उनका प्लेयर अच्छा है उसे माने, हमारा प्लेयर अच्छा। देखें पैसे तो इनको भी मिलते हैं ना, सैलरी इनको भी मिलती है, आपके बिल में से इनके बिल में से ही जाते हैं, उनके कोई पीसी भी जेब से तो नहीं दे रहा, तो इसी वजह से ये पूरे हकदार हैं हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बंदा डिज़र्व करता था। जहाँ तक इंडिया की बात है, चले मान लिया कि सुमन गिल को पीबीसी ने जो है ऊपर लाए हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि नसीम शाह के ये पाँवों के बराबर भी नहीं है सिराज जो इसकी परफॉर्मेंस है? नसीम शाह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, सिराज कल का बच्चा है, हाँ नो डाउट। चलो अपनी होम कंडीशन है, अपने होम क्राउड का भी सपोर्ट है तो वो उस कंडीशन पे अच्छी करवा रहे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज की कोई परफॉर्मेंस, हाँ विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है नो डाउट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ सातवें नंबर से वो चौथे की रिप्लेसमेंट हुई है, उस पर चौथे नंबर पर आए हैं, तो हम वो कहेंगे यार विराट कोहली डिजर्व करते हैं क्योंकि विराट कोहली की जिस तरह परफॉर्मेंस थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर वन पर भी आ जाएंगे। हाँ वो अच्छा प्लेयर है यार, जो अच्छा करेगा एज ए स्पोर्ट्समैन हम उसे सपोर्ट करेंगे। सिराज वो बॉलर है जिसका वालिद है, उसकी एक टांग कटी हुई है, वो रिक्शा चलाता है, वो एक गरीब घर से आया, वो आईपीएल से आगे वो नंबर वन पे आ गया। क्या बीबीसी ने सिराज को भी ऊपर लाने के लिए एक प्रोटोगंडा किया? ऐसा नहीं है, इसकी बेहतरीन मिसाल है, उन्होंने आईपीएल से दो प्लेयर उठाए, उन्हें नंबर वन ले आए, हम अपने पीएसएल से प्लेयर उठा के, साइम अयूब है, वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो दुनिया की लीगों में जा के सेंचुरी मार रहा है, कायदे आजम ट्रॉफी में उसने डबल सेंचुरी मारी, फिर सेंचुरी मारी, मतलब कि वो पीसीबी के दरवाज़ों को आवाज़ें दे रहा है कि भाई मेरे अंदर टैलेंट है। यही फ़र्क है कि इंडिया वाले टैलेंट को ले आते हैं, पाकिस्तानी नहीं लाते। पर शुभमन गिल की कोई परफॉर्मेंस, आप क्विंटन डिकॉक की मिसाल उठा के देखें, क्विंटन डिकॉक की 4 सेंचुरीज हैं इस वर्ल्ड कप में और वो वही 750 रेटिंग पे ठहरे हैं, ना उनकी प्लस में जा रही है ना माइनस में जा रही है। यार शुभमन गिल 20 स्कोर करते उसे प्लस में चले दिया जाता है, यार कुछ तो उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें ना यार। आपने जो खरीदे, बीसीसीआई ने आईसीसी को ख़रीदा हुआ है, मैं ये कहूँगा ये हकीकत है और ये इस हकीकत को पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। उसकी परफॉर्मेंस है तो उसको भी तो कोई प्लस पे पॉइंट देना भाई, 4 सेंचुरीज मार दें, वर्ल्ड कप का हाई स्कोरर बन गया, तो ये तो ना इंसाफी यार, ये तो हमें भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है, पूरी दुनिया को नजर, आईसीसी को भी नजर आता है जो यार क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, उसके स्कोर देख लें आप, उसकी परफॉर्मेंसेज देख लें आप, उसकी सेंचुरीज देख लें, तो मैं तो ये कहूँगा मैं उसको मानता नहीं हूँ। अब तो बात करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, इंडिया ओडीआई में नंबर वन, टेस्ट में नंबर वन, टी20 में नंबर वन, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इंडियन के जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सिराज, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इंडिया बनाता जा रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कब होगा कि पाकिस्तानी कब जाके रिकॉर्ड बनाएंगे? और क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो इंडियन टीम, इंडिया के जो यानी कि प्लेयर्स हैं वो रिकॉर्ड बना रहे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर इंडिया की तो बात ही क्या, उनकी तो टीम, उनके प्लेयर्स, उनकी मैनेजमेंट, उनके स्कोर्स, मतलब ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ से ही ना ठीक है कि उनके रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पीछे उनकी मेहनत नहीं है, उनकी मेहनत भी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम तब खत्म होगा जब आप एक पर्ची सिस्टम को साइड पे कर देंगे। जब शुभमन गिल कल का बच्चा है, बाबर आजम को जितने दिन एज अ नंबर वन प्लेयर बने हैं शुभमन गिल को उतने दिन क्रिकेट में भी आए हुए नहीं हुए, जितने दिन बाबर आजम ने एज अ नंबर वन प्लेयर गुजारे हैं शुभमन गिल को अभी क्रिकेट में भी आए हुए उतने दिन नहीं हुए। बाबर आजम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, काफी ज्यादा यानी कि शिकार है कश्मकश का, वहीं पर शुभमन गिल जो है वो स्कोर पे स्कोर करते
करता जा रहा है। आप देखें ना, उन्होंने एशिया कप में भी काफी अच्छा रन दिया, कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस दी है, तो जिस वजह से वो नंबर वन पे आए। तो भाई तो रेटिंग भी तो उसकी बड़ी है ना, जो एशिया कप में नो डाउट उसने परफॉर्मेंसेस दी है। बाबर आजम ने परफॉर्मेंस नहीं दी, बाबर आजम 864 रेटिंग से 818 पे आ गए हैं, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है उसकी माइनस हुई है। लेकिन शुभ आपके जो रिश्तेदारियाँ हैं, आपकी जो पर्चियाँ, आपके नवासे, आपके पोते, ये चीज़ें क्रिकेट से निकल जाएंगी। और एक छोटे घर का बंदा आमिर जैसा प्लेयर भी अगर उभर के जैसे सामने आया, ऐसे छोटे घर से लोग अपना ताल्लुक रखने वाले भी फॉर्म करेंगे और ऊपर आएंगे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के डोमेस्टिक के ढांचे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5-7 साल में स्टैंड हो जाएगा। शुभमन गिल का बाबर आजम को रिप्लेस करना, ये डिजर्व करता है शुभमन गिल? बिल्कुल करता है, डेफिनेटली करता है, और वाकई ही करता है। शुभमन गिल ने वहीं पे वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, सिर्फ 92 स्कोर किए एक में, तो 92 जब वो कर रहा है उसने स्कोर किया उसको प्लस में दिया है, लेकिन वहीं पे उसने 26 स्कोर किया उसकी माइनस में जाती थी रेटिंग, उसको प्लस पॉइंट देके हमसे 6 पॉइंट आ गए। अब अगर देखें 92 स्कोर करके वो बंदा नंबर रेटिंग प्लस कर रहा है, वहीं पर बाबर आजम के 816-818 का फर्क था, 2 पॉइंट का फर्क था, तो बाबा अगर उसने परफॉर्मेंस दिया तो उसे 5-6 पॉइंट दो ना भाई, आपने उसे डायरेक्ट उठा के 12-13 पॉइंट दे दिए, ये ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो कोई भी, हम तो लोग अंधे वगंधे तो नहीं, हमें भी क्रिकेट की समझ आती है भाई।